हरे कृष्णा शिवृंदावन धाम की जय। हम लोग श्रीमद भागवतम पढ़ रहे थे, श्रीमद भागवतम के हाँ हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली स्कंद 3 अध्याय 29 श्लोक नंबर 21 ठीक है 20। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उनके स्रोतों से ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचता है, मतलब सूंघने, घ्राणेन्द्रिय मतलब सूंघने की शक्ति, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावना में लगा रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य पढ़ते हैं, जिस प्रकार उद्यान में फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रियों तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना तत्काल परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि शिव भगवान अपने परमात्मा के रूप में सर्वत्र और प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, क्या है वो श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो, भगवान बोलते हैं कि आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, तो कृष्ण नो माय हार्ट योर हार्ट एंड एवरीवन हार्ट ठीक है। और फिर उसके बाद 21वां श्लोक है, अरे पन्ना तो पलट गया, पलट गया भगवान बोलते हैं, देखो यहाँ पे भी वही श्लोक है, मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, यदि कोई परमात्मा संवत्र है इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजा में लगाता है तो केवल स्वांग रचता है। जैसे भगवान ना सभी के हृदय में है, अगर ये कोई अगर इस बात को नहीं मानता है फिर भी अगर वो मंदिर में बैठ के सेवा कर रहा है या ये कर रहा है तो भगवान बोलते हैं वो केवल स्वांग या दिखावा है। जो मंदिरों में शिव भगवान की विग्रह का पूजा करता है किंतु वह ये नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो राख में आहुति डालता है। समझ में आया इस श्लोक का, भगवान बोलते हैं कि मैं जो व्यक्ति मंदिर में पूजा भी कर रहा है विग्रह की सेवा भी कर रहा है और अगर वो मुझे सबके हृदय में नहीं देख रहा है ना तो उसकी तुलना इसकी गई वो राख में आहुति डाल रहा है, आग में आहुति नहीं राख में आहुति डाल रहा है। वाह भगवान ने कितना सुंदर समझा रहे हैं, यदि शिव भगवान की सर्वव्यापकता इस प्रथा प्रामिकता दी गई है। ये वाले श्लोक ध्यान से सुनना, जो मुझे तो सम्मान अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है वह इस कारण पृथकवादी है, उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि हम किसी न किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं। हाँ होता ही है, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी से द्वेष होता है ना, मुझे भी है, सबको है, बट हाँ बट जिसको द्वेष है उसको मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो श्रीमद् भागवतम से हमें ये पता चलता है कि मन की शांति कब आएगी, मन की शांति तभी आएगी जो भगवान के साथ, तो भगवान के साथ तो हमारा प्रेम है ही पर लोगों के साथ में भी हमारा प्रेम होना चाहिए, तब जाके हमारे मन को शांति आएगी ना। ये श्लोक में लिखा हुआ। और हे माते, भले ही कोई पुरुष यथोचित अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनिभिज्ञ रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी भी पूजा क्यों ना करे मैं उसे कभी प्रसन्न नहीं होता। मतलब सोचने वाली बात है कि भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करना है। ये श्लोक ये वास्तविकता में ये हम सबके लिए है, मेरे लिए है ये, कि हम कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी अनुष्ठान कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, यदि हम मंदिर में बैठ के सब कुछ करें किंतु यदि सारे प्राणियों में, सारे प्राणियों का मतलब ये नहीं है सिर्फ इंसान, सारे प्राणियों का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा चींटी, एक बड़ा सा हाथी और एक छोटा सा अंडा, क्योंकि उसमें भी तो जीव है ना, इन सभी के में हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना है ना। ऐसा नहीं कि चींटी पाया तो रगड़ दिया इंसान की बड़ी कदर की, ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा करता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। जो व्यक्ति सारी चीजों में भगवान का दर्शन नहीं करता भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते ना। और फिर भगवान बताते हैं, यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, जल तथा छोटा सा फल भी अर्पित करता है तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। वास्तविक उद्देश्य तो ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है, भेंटे तो गौण है, कुछ देना ये तो सिर्फ अंदर की बातें हैं कि हम भगवान को ये दे रहे, वास्तविकता तो यह है कि हम भगवान को प्रेम दे रहे। यदि श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई है, यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट से श्री भगवान स्वीकार नहीं करते। हम श्री भगवान को घूस रिश्वत नहीं दे सकते, वे इतने महान है कि हमारी घूस का कोई महत्व ही नहीं है, समझ रहे हो, और न ही उन्हें किसी चीज की अभाव है, चूंकि वे स्वयं संपूर्ण है तो फिर हम क्या उन्हें भेंट दे सकते हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हो गई है ना,
हम केवल अपना प्रेम तथा अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उन्हें अर्पित करते हैं। तो अगर कभी किसी को लगता है हम भगवान को हम कर रहे हैं, हम करना ही नहीं भैया, हम अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। इसलिए चाहिए हर एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए श्री भगवान के अर्च विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। तो हमें बोलते ना ये सारी चीजें इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें एक जीव में भी भगवान का दर्शन हो और एक जीव में भी दर्शन हो, और ऑब्वियसली भगवान में तो हमें दर्शन हो ही रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो भगवान ने क्या बोला है, हम उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो आज हम ये समझा हमने कि भगवान किस व्यक्ति से खुश नहीं होते, समझ रहे, भगवान किस व्यक्ति से खुश नहीं होते। तो आई होप ये जो भागवतम वाला जो सत्र है हमें बहुत हेल्प कर रहा है, मुझे भी बहुत हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीजें समझने के लिए। बाकी अब क्या बोले, यस श्रीमद् भागवतम की जी। तो आज इतना ही था, और बाकी अभी तो एक्चुअली ना सुबह से बारिश भी हो रही, तो अभी मैं चल रहा हूँ बाहर और देखता हूँ आगे क्या होता है, सारी चीजें ब्लॉग में दिखाऊंगा। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन एक ऐसा स्थान है ना जहाँ पे हमेशा प्रसाद मिलता रहता है बढ़िया, और वृंदावन एक ऐसा स्थान है अब यहाँ पे रोज भीड़ लगने लगा है। अब देखो लग गई जाम, आओ वृंदावन रम्य स्थान। बारिश की वजह से ना मौसम एकदम ठंडा हो गया, पहले एकदम रुक जा भाई। अरे यार ये तो बैतरणी नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। पानी में से तो नहीं जाऊंगा, बिजली के खंभे के पास से जाऊंगा। ऊंचाइयों पे से चलूंगा आज। जय हो वृंदावन। आप भी मेरे साथ चलो, इतने सारे लोग परिक्रमा लगा रहे, बात कुछ है क्या? अरे कैलेंडर डिलीट हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, सिर्फ लोग दिख रहे हैं बस। राधे महाराज। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जब ही थोड़े समय पहले बनवाली महाराज आए हुए थे तो मैं महाराज जी के साथ स्कूटी पे था, मैं ड्राइव कर रहा था, महाराज जी पीछे बैठे थे, और फिर एक रैंडम से कार आती है और मुझसे पूछती है बाकी बिहारी का रास्ता कहाँ है, और मुझसे पूछते बाकी बिहारी का रास्ता कहाँ। तो मैंने एकदम से बोल दिया, मैंने बोला अरे गलत आ गए हो आप गाड़ी पार्किंग में डालनी चाहिए थी, गाड़ी लेके आ गए तो ट्रैफिक हो जाएगा, तो आप गलत रास्ता आ गए। तो महाराज पीछे से मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, तभी मुझे समझा नहीं। तब मैं स्कूटी लेकर थोड़ा आगे गया तो महाराज मुझे बोलते हैं आनंद धाम, ये बात आप आराम से भी बोल सकते थे। मैंने बोला महाराज एक्चुअली वो गलत रास्ता आ गया। तो महाराज बोलते उसको ऐसे भी बोल सकते थे, आप आए तो सही हो, आपको गाड़ी पार्किंग में लगा देनी चाहिए थी, यू नो अगर स्टोन स्टोन। मैंने बोला यस महाराज। और अभी जस्ट मुझे किसी ने सेम उसी एग्जैक्ट प्लेस पे पूछा भैया बाकी बिहारी का रास्ता कौन सा है, जैसे उसने मुझसे पूछा मुझे तुरंत महाराज की वो बात याद आई, और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने उनको बोला कि आप आए तो सही रास्ते से हो, पर यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप अगर गाड़ी पार्किंग में डाल दोगे तो वैसे। तो मैं सोच रहा था कि महाराज कितना है, मतलब पर्सनल केयर जब हमें साधुओं का मिलता है तो हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखने को आती है, हो सकता है मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात ना हो ऊँचे टोन में बात करना ना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा गलत रास्ते आ गए हो। बट महाराज ने उसको नोटिस किया, क्योंकि महाराज को शायद पता है कि अगर ये ऐसा वाला भविष्य मैंने कभी बोल दिया, इसके लिए हमें चाहिए वैष्णव का संग, साधुओं का संग। तो एक छोटा सा रियलाइजेशन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। कहाँ जा रही है मम्मी के साथ, इसका हाथ पकड़ के इधर रोकना, नहीं जाना है मेरे साथ, नहीं रुकेगी नित्या, चल इधर आ सनी देओल, इधर आ सनी देओल को पकड़ के ले गया। जब मैं बोला था 4 बजे तक आने के लिए तो इतना लेट क्यों हुआ? ए नित्या इधर आ, इसका कपड़ा पहन, कपड़ा बंद कर, नित्या जल्दी आ, चलो चलो बिछाओ बिछाओ। इतने दिन से हम लोग का क्लास नहीं चला है, 1 तारीख से तुम लोग का स्कूल भी खुल जाएगा। हाँ 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है गौरंग, ठीक है, और बिना नहाए नहीं जाना है, ठीक है, और अगर बिना नहाए गया तो क्या होगा? पिटाई, कान गरम, कान गरम। और हमारे अभी ग्रुप में ना 3-4 छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, ये 1-2 और ये सनी देओल 3। सनी देओल
ठीक है चलो बेटो, आज हम लोग ना एक श्लोक याद करेंगे भगवत गीता का, या तो हम लोग कोई भगवान के प्रणाम मंत्र याद करेंगे। बेटो सब सब और कहाँ गए? करण अर्जुन कहाँ है? क्या करण को ढूंढ के लाओ, जाओ तुम करण को ढूंढ के लाओ। नहीं नहीं क्यों जाओगे दो जन, तू जा करण को ढूंढ के ला। जो मैंने श्लोक तीन श्लोक याद कराई थी ना मैंने, हाँ, तीन कराई थी। और आज हम बहुत दिन बाद बैठे हैं, ठीक है तो किसको किसको याद है? मुझे तो पहली वाली याद है, मम्मी तो उसको भी पहली वाली है। नहीं एक 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 मैंने सबसे पहले याद कराई थी ना, हाँ, वो याद है। कौन सी वाली? ये कृष्णा करना से इसके पहले भी एक याद कराई थी, जय श्री कृष्णा चैतन्य जी, नहीं थी ये पहले नहीं कराई, यही 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 बोलो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौरांग बोलो, डरो मत बोलो, बिंदास बोलो, कोई नहीं, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो। श्री अद्वैत गदाधर, देखो मैं भी याद कराता हूँ, ठीक है याद करा के तो फिर हम अच्छे से उसको वो करेंगे, ठीक है ध्यान से। अगर कोई चीज हमें याद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा गौरांग? क्या करना पड़ेगा? फिर क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? कैसे होगा? क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा तुम बताओ, कैसे? दोहराना पड़ेगा फिर हो जाएगा याद। कहाँ होगा? दिमाग में। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ध्यान से सुनो, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी कितने कितने लोग को, एक महीने के बाद हमारा क्लास हो रहा है, ठीक है आज एक महीने से भी ज्यादा हो गया, ठीक है हाँ ठंडी में कर देते हैं। नहीं ठंडी के बाद भी तो हमने किया था अभी इसमें, तो अभी हमारा छुट्टी हो गया ना स्कूल का गर्मी उर्मी का, इसलिए हमने किया नहीं, तो अभी हमें याद रखना है। कोई बात नहीं, वो आवाज कर रहा है उसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं उसको डिस्टर्ब करने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है उसकी आदत लग जाएगी फिर ऐसे बैठने की, समझे? तो अभी हमें इसको याद करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा। क्या बोलना, किसको याद है, किसको याद है? ठीक है कारण सुनाओ। नहीं जय श्री कृष्ण श्री अद्वैत श्रीवासादि वेरी गुड, ताली बजाएंगे। हाँ सुनाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत धराधरा श्रीवासादि श्रीवासादि वासादि वेरी गुड गौर भक्त वृंद, ठीक है ताली नहीं बजाएंगे। मैंने क्या बोला था? ताली नहीं बजाएंगे, ध्यान रखना मैं कभी भी ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा। जिगर बोलेगा बोलो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंद। एक बंदर ने अपना बच्चा लिया हुआ है, ये भी अपना बच्चा ली हुई है, वो भी अपना बच्चा जोड़ी हुई है, ये भी अपना बच्चा ली हुई है। ये तुम लोग का बच्चा थोड़ी है, गौरांग मेरा बच्चा, चल चल चिपक चिपक पैर पे, ये तू कहाँ था? चल 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 चल। ब्रज प्रभु आपने दो कुर्ता हमें दिलाया था, आपने बोला था 50 कमेंट, तो मेरे को ऐसा लग रहा है प्रभु जी 200 से ऊपर कमेंट हो गए, तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ उड़ता आकाश, समझे? हल्के में मत लेना भाई, हर कोई कमेंट कर रहा है, हर कोई कमेंट 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 कमेंट। अरे भाई ऐसे थोड़ी है उड़ता आकाश के सब, इतने कमेंट मेरे भाई हर वीडियो पे आता है, बड़ा अपना मुंह मत बना। और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थैंक यू सो मच, ब्रज प्रभु जी लिख रहे हैं ना, लेकिन नाम उड़ता का ही हो रहा है। नहीं नहीं सारा सारा चीज ब्रज प्रभु का है, मेरा लागत चैनल तो सिर्फ मेरा है, बाकी आईडी आईडी पासवर्ड तो ब्रज प्रभु के पास है, कभी भी जाके सब डिलीट कर सकता है भाई। भाई मैं मत करना, हम आपको दो कुर्ता और दे देंगे, कमेंट और 200 करो, ठीक है ब्रज प्रभु हम लोग मिलते हैं, ठीक है क्या
गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, हरी बोल। सही बात है माता जी, सही बात है एकदम। अरे जय हो, जय हो। ठीक है ब्रज प्रभु, मिलते हैं हम लोग। हरी बोल। तो देखा दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मेरी लाज बचा ली। मुझे तो लगा था 25 कमेंट भी नहीं आएगा, बट हमने देखा कि भाई 250-300 कमेंट एक आए कर रहा है, 250 कमेंट आ गया, हमें बड़ी खुशी हुई। और जितने लोग ने कमेंट किया, हम श्रीधाम वृंदावन से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान भी उनको भी ऐसा एक दोस्त दे, तो उनको दो कुर्ता दे दो कुर्ता दे और दो दिन तक सुनाए, और दो दिन तक भाई वो अब तो जब भी फोन कर रहा है तो हेलो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है दो कुर्ता, दो कुर्ता भाई, मैसेज कर रहा है दो कुर्ता, चूहा पकड़ा है तो उसको दो टमाटर का टुकड़ा दिया है, वो सिर्फ दो पे ही काम कर रहा है, पूरा फोकस दो पे है। थैंक यू दोस्तों, बोलो वृंदावन धाम की जय। तो अभी हम लोग फिलहाल, अरे यार कपड़े पे छिड़क, चलो कोई बात नहीं, ब्रजवासी है, ब्रजवासी का छिड़का हुआ भी काम आ जाएगा। कल एक प्रभु जी बता रहे थे, अगर हमने ब्रज में एक तिनके का भी सहारा ले लिया तो हमारे मानव जीवन का कल्याण है। याद है धर्मात्मा प्रभु कल बोल रहे थे गौशाला में, घास का एग्जाम्पल दे रहे थे। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। आंखें खुले तो ये दिखे और आंखें बंद हो तो ये दिखे, तो क्या जीवन हो। आजकल ये 7 मिनट का बहुत चल रहा है, पता है क्या चीज, 7 मिनट मरने के बाद भी इंसान 7 मिनट ना, अगर 7 मिनट, 7 मिनट 7 सेकंड होता है, 7 मिनट होता है, तो मैं ना 7 मिनट सिर्फ ये देखना चाहूंगा, 7 मिनट सिर्फ ब्रज देखना चाहूंगा। हाँ मम्मी पापा को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी तो ऐसा तो है नहीं, कोई मम्मी पापा डिवोटी नहीं है। जय गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज सुनते मजा आ जाता है मेरे को। चलो 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 चलो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। मजा आ गया भाई साहब। जय हो वृंदावन धाम की जय। ब्रज की लता पता में मैं तो राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो वृंदावन धाम की जय। बहुत सुंदर, राधे राधे। हाँ भाई बोलो, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है उड़ता आकाश के इस ब्लॉग में। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस ब्लॉग। आओ आओ आओ, यार कितना सुंदर लग रहा है ये आसमान, ये देख रहे हो आसमान के तो कलर देखो, वाओ। जय हो वृंदावन धाम, जय हो। ईशान यार कभी तो फोन रख दिया कर, दिन भर फोन पे बात करता रहता है यार उससे उससे तो मैं छोड़ दो। जय हो दोस्तों। तो यमुना के दर्शन के पश्चात हम निकल चुके हैं अपने घर हवेली की तरफ। जो क्या बोलूं, इलू इलू क्या है, अब भी फील आएगा ये इलू इलू क्या है। वाओ, आज तो आसमान ने अपनी छटा बिखोर दी है ब्रज में, क्या सुंदर लग रहा है आसमान में, ब्रज में आसमान भी आकाश भी कितना अच्छा लगता है, तो गलपड़ा लग रहा है। वाओ, गलपड़ा लग रहा है। मदन मोहन भी कितने प्यारे लग रहे हैं। हरे कृष्णा, श्रील गुरुदेव की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितिरिच्य प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पादाय ते नमः। श्रील गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आ जाओ, अरे यहाँ तो पानी गिरा है। जय गुरु महाराज की जय।
नहीं अभी तो। श्रील गुरुदेव की जय, समाधि मंदिर की जय। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं? हरे कृष्णा। अरे यार अच्छा नहीं आ रहा है। अरे नहीं लाइट ऐसा दे। तो दोस्तों निशांत छोड़ यार, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।